दोस्तों हम सभी ने WWE बैकलैश में कोड रोड्स और एजेस सेल्स के बीच मैच देखा। बेल बजी तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। कोड रोड्स ने एजेस सेल्स को फ्रंट फेस लॉक में रखा और एजेस सेल्स ने भागने की कोशिश की। फिर कोड रोड्स ने एजेस सेल्स पर ड्रॉप की किया। इसके बाद एजेस सेल्स ने कोड रोड्स पर सबमिशन लगाया जिसे उन्होंने तोड़ दिया। फिर एजेस सेल्स को पंच किया। एजेस सेल्स ने कोडी पर मूनसॉल्ट किया और उन्होंने पिन से किक आउट कर दिया। फाइट रिंग के बाहर चली गई और कोड रोड्स ने अनाउंसर टेबल पर एजेस सेल्स पर पावर बॉम्ब किया। फिर दोनों ने एक दूसरे को किक किया और गिर पड़े। एजेस सेल्स ने फिर से कुछ फ्लाई मूव्स किया और कोड रोड्स को फिर भी पिन से किक आउट कर दिया गया। एजेस सेल्स ने कोड रोड्स के खिलाफ फिनोमिनल फोरआर्म किया लेकिन कोड रोड्स खड़े हुए और फाइनली एजेस सेल्स को कोड़ी कटर किया। इसके बाद कोड रोड्स ने क्रॉस रोड्स किया और मैच जीत लिया। जैसे कि आप जानते हैं रसलमेनिया में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने के बाद ये कोड रोड्स का पहला टाइटल डिफेंस था। अब हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि कोड रोड्स का अगला ओपोनेंट कौन होगा। ये तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों आप इस रूमर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।